260 पार भाई साहब, स्कॉर्पियो S11 क्लासिको इन द चैट, लेट्स गो भाई, पहुंचेंगे ऊपर। आ ट्रेन आ रही है भाई साहब, बच गया मैं, ट्रेन तो बिगा गई भाई, मैं बच, ट्रेन जा रही है, रुको रुको रुको, पकड़ेंगे 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 पकड़ेंगे, पार 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 पार, वाह कसम भाई क्या हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस कमाल के वीडियो पे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं एक बड़ी सी ट्रेन को, देख सकते हो भाई साहब। यार मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था मैं ट्रेन के साथ स्पीड टेस्ट करूंगा, बट यार मैंने प्रॉमिस किया था बुलेट ट्रेन के साथ, तो गाइस यार मैं बुलेट ट्रेन तो ला नहीं पाया। मैंने सोचा ला लेता हूँ बुलेट ट्रेन, बट सीन ऐसा था कि यार बुलेट ट्रेन लेके आऊंगा तो भाई इंडियन गाड़ियां हरा ही नहीं पाएगी बुलेट ट्रेन को। तो गाइस यहाँ पे मैं नॉर्मल जो मालगाड़ी का इंजन होता है ना वो लेके आया हूँ, ठीक है। एंड कुछ यार मैं पीछे कोयला वगैरह वाली कुछ जो रेल होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं यार, बोगी होती है, ठीक है, जो भी बोगी वगैरह मैंने कुछ नहीं रखा है ताकि गाइस यार ट्रेन हल्का रहे एंड ज्यादा से ज्यादा स्पीड दे सके, ठीक है। तो गाइस हम लोग गाड़ी को, मतलब ट्रेन को फुल स्पीड में भगाने वाले हैं, फ्रैंकलिन भैया भगाएंगे एंड यहां से चालू होगा रेस एंड बहुत आगे तक जाएगा ट्रैक, बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत मजा आने वाला है। मैं यहां पे बहुत सारी इंडियन गाड़ियों को ट्राई करूंगा एक एक करके सारी गाड़ियों को एंड देखते हैं गाइस कौन सी गाड़ी में इतना दम है जो इस ट्रेन को स्पीड के मामले में हरा सकेगा। इस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैंने ये चीज को बहुत पहले वादा किया था कि भाई ऐसा कुछ करूंगा बट कर नहीं पाया था, बट फाइनली आज ये होने वाला है। एंड गाइस अगर आप ये वीडियो पे 10,000 लाइक करवा देते हो तो सेम चीज मैं सुपर कार्स के साथ करूंगा एंड बुलेट ट्रेन के साथ करेंगे, ठीक है। मतलब यार जो दिल्ली वगैरह में मेट्रो वगैरह चलती है ना भाई, उससे भी खतरनाक वाली ट्रेन के साथ हम लोग स्पीड टेस्ट करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में यही है, मजा बहुत आएगा, देखते हैं कौन सी गाड़ी में इतना दम है जो इस ट्रेन को हरा सकती है भाई साहब स्पीड के मामले में। एंड दूसरी बात गाइज, अगर आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, एंड अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। बट उससे पहले सब्सक्राइब करके अपने फेवरेट गाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपकी सारी फेवरेट गाड़ियों को वीडियो में ऐड कर सकूं एंड आप मेरे डट ट्रैक्स फैमिली के मेंबर भी बन जाओगे भाई अगर आप सब्सक्राइब करते हो। तो चलो यार वक्त जाया ना करते हैं, एक एक करके सारी गाड़ियों को ट्राई करते हैं। पहली गाड़ी हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं हमारी विटारा ब्रेजा को, ठीक है। एंड एक और चीज यार, मैं यार यहाँ पे यार ट्रैक वगैरह हटा दिया हूँ, गाड़ी को मैंने, मतलब ट्रेन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया ताकि गाइस ये रोड पे भी चल सके। यार पटरी में चलाने में भाई नहीं पता क्यों ट्रेन को दिक्कत आ रही है भाई बहुत ज्यादा। ओके ट्रेन चालू हो चुका है लगता है, ओके लेट्स गो भाई, ट्रेन की स्पीड देख रहे हो, ओके मैं 100 पकड़ा हूं एंड ट्रेन 200 पकड़ चुकी होगी, आराम से 200 पार कर रही होगी भाई, इतना ज्यादा स्पीड, लेट्स गो भाई, पकड़ेंगे हम लोग भी पकड़ेंगे, रुक जाओ यार मेरी ब्रेजा भाग नहीं रही है, 160 गई है भाई, लेकिन रियल लाइफ में भी 170 नहीं पहुंचती, ओके 180 पहुंच रही है भाई साहब, इंजन ना फट जाए यार, ब्रेजा 180 भी नहीं पहुंचती, 190 200 टच कर दिया है ब्रेजा ने, ओ माय गॉड भाई ट्रेन पहुंच चुकी है, फिनिश पॉइंट पहुंच चुकी है ट्रेन, ओके लेट्स गो भाई, ये पहुंच चुके हैं एंड हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है भाई भाई भाई, ट्रेन क्या कर रही है। खैर जो भी है गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने ये रेस को खत्म कर दिया है एंड गाइस यहाँ पे एक और ट्रेन वाली बोगी है, नहीं पता क्या सीन है बट गाइस यहाँ पे, ओके आराम से भाई ट्रेन, एंड गाइस यहाँ पे हमारी विटारा ब्रेजा फेल हो चुकी है भाई। यार विटारा ब्रेजा का स्पीड जो है हमारी ट्रेन से बहुत ज्यादा कम है, तो गाइस कोई बात नहीं यार, विटारा ब्रेजा यहाँ पे फेल है, चलते हैं गाइस अगली गाड़ी को ट्राई करने। यार अब बारी आ जाती है गाइस यार सियाज की भाई, मारुति सुजुकी की सियाज, यार वन ऑफ द फास्टेस्ट सेडान भाई, मेरे को याद है मेरी जो पहली सेडान कार फेवरेट बनी थी ना भाई इंडिया की वो सियाज थी गाइस, इसके बाद तो वरना होंडा सिटी वगैरह मेरे को पसंद आने लगी थी एंड अभी करंटली होंडा सिविक है मेरी फेवरेट। एंड गाइस आपकी क्या फेवरेट मतलब यार वो है सेडान है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट फिलहाल हम लोग पीछे हो गए भाई साहब, लेकिन इसका पिकअप अच्छा है, ये 100 टच कर दिए बहुत कम टाइम पे, 100 टच कर दिए, सियाज पहुंच जाएगी भाई अंदर, देखे तो इंटीरियर काफी प्यारा है यार सियाज का, ओके काफी बेहतरीन भाई, लेकिन यार हम लोग को और स्पीड की जरूरत है, नहीं गाइस सियाज भाग नहीं रही है, विटारा ब्रेजा इससे ज्यादा स्पीड दे रही थी यार, ये 170 पहुंची है, ओके 180 नहीं पहुंच पाएगी वो, तो यार 190 टच कर रही थी भाई, ओके ये भी टच कर देगी, नहीं ये नहीं टच कर पाएगी भाई, सियाज यहाँ पे पीछे रह चुकी है एंड गाइस यहाँ पे ट्रेन ने आगे तक रास्ता तय कर लिया भाई, नहीं पता यहाँ पे ट्रेन मुड़ क्यों जा रही है मेरे को वो समझ नहीं आ रहा, बट खैर जो भी है गाइस ये गाड़ी का टॉप स्पीड है 185 हाईएस्ट जाएगा, इसके आगे जाने के कोई चांसेस नहीं है एंड ये सबको तोड़ो जो भी है भाई, नीचे गिर गया, लेकिन खैर यहाँ पे सियाज का परफॉर्मेंस काफी प्यारा था भाई, 180 का टॉप स्पीड देखने को मिला एंड ये
ट्रेन से थोड़ी स्लो हो गई, कोई बात नहीं, चलते हैं गाइज अगली गाड़ी को ट्राई करने। यार अगर ट्राई कर ही रहे हैं सारी गाड़ी को तो क्यों ना गाइज ये मिनी थार को भी ट्राई कर ली जाए। तो गाइज ये गाड़ी मैं अभी कुछ दिनों पहले ही मार्केट में लेके आया हूँ। ये बड़ी वाली थार को देखो एंड ये मिनी थार को देखो भाई, ये कितनी प्यारी है गाइज। खैर देखते हैं गाइज क्या ये मिनी थार में इतना पावर है कि वो बड़े वाले थार को हरा पाए। वैसे गाइज ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैं दिखाता हूँ भाई ये देखो। ओके भाई गाड़ी में इतना दम है ना ब्रो, पीछे रह गए यार। शिट भाई कवर कर लेगी, स्पीड अच्छा देती है, छोटी गाड़ी है। इंजन गाइस रियल कार का लगा हुआ है इसमें एंड देख सकते हो 120 इतने कम समय में पार कर दिया गाड़ी ने। ओके लेकिन यार हराने लायक स्पीड नहीं है भाई गाड़ी, हम लोगों को पिकअप की जरूरत है पता है। गाड़ी यार स्टार्टिंग में जब 4-5 सेकंड में 100 पकड़ेगी ना, लेजेंडर जैसी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर लेजेंडर इन गाड़ियां ही ये मतलब ये चैलेंज को काफी इजीली कर पाएगी। ये यार ऑफ रोडिंग वगैरह गाड़ियों को दिक्कत होने वाली है भाई, मैं अभी से समझ रहा हूँ। ये गाड़ी 180 टच कर रही है खिलौना होकर के, बट फिर भी कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को गाइस इनिशियल स्पीड चाहिए, यार हम लोगों को पिकअप चाहिए, काफ़ी तगड़ा पिकअप चाहिए। लाइक यार इंस्टेंट हम लोगों को चुटकी भर में 200-300 मतलब 100 स्पीड तो पकड़ना ही पड़ेगा अगर हम लोगों को रेस जीतना है तो। पहली गाड़ी डूबती हुई भाई, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं गाइस यार अगली राउंड पे। मिनी थार भी यहाँ पे फेल हो चुकी है, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार अब यहाँ पे मैं फॉर्च्यूनर लेके आ चुका हूँ, 2018 मॉडल नहीं ये 17 मॉडल आएगा सर। इसके बाद हम लोग बाद में नई वाली मॉडल को भी ट्राई करेंगे, 2000 लेटेस्ट वाली 22 वाली को भी ट्राई करेंगे ठीक है, बट फिलहाल पुरानी मॉडल से काम चलाया जाए। ओके लेट्स गो भाई, ये गाड़ी पकड़ी है, ये गाड़ी टक्कर दे सकती है। ओके लेट्स गो, 100 पार किया है मैंने अभी। ओके यार मुश्किल है भाई, भगा नहीं यार, इस बार हम लोग क्लोज हैं, ज़्यादा दूर नहीं है इस बार हम लोग, यार 200 टच कर देंगे। ओके लेट्स गो भाई, नहीं हरा पाएंगे गाइस, ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज है, कुछ ज़्यादा ही तेज है गाइस कसम से यार। ट्रेन को मैं सोचा नहीं था गाइस इतना ज़्यादा तेज होगी भाई, कोई भी यहाँ पे इंडियन कार टक्कर नहीं दे पा रही है। हम लोग अभी जो फॉर्च्यूनर ट्राई कर रहे हैं ये पुरानी वाली है भाई, नई वाली फॉर्च्यूनर को भी ट्राई करेंगे, बट फिर भी गाइस यार ये गाड़ी मुझे लगा था कर लेगी भाई। कोई बात नहीं, ब्रेक लगाओ यार, फेंका जाऊँगा वरना मैं, लेकिन कोई बात नहीं यार ये वाली फॉर्च्यूनर फेल हो गई, थोड़ा सा दिल में अफसोस हो रहा है गाइस। जिन लोग यार मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा भाई ये कितनी तगड़ी वाली फॉर्च्यूनर है यार, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फॉर्च्यूनर है, ऑफ रोडिंग से लेकर के टग ऑफ वॉर हर चैलेंज में ये गाड़ी तगड़ा परफॉर्म करती है यार। बट फिलहाल आज ये फेल हो चुकी है, हम लोग नई वाली फॉर्च्यूनर को भी ट्राई करेंगे। वैसे चिंता मत करो यार, लेजेंडर वगैरह भी बाकी है यार अभी। गाइस क्यों ना XUV700 को ट्राई किया जाए यार, क्योंकि यार वो महिंद्रा की वन ऑफ दी अच्छी गाड़ियों में से एक है, बहुत फेमस है यार, XUV बहुत चलती है। अभी रिसेंटली मेरे भाई ने लिया है, लेकिन गाइज मैं स्कॉर्पियो एन में क्यों बैठ रहा हूँ, मेरे को XUV चलानी है, स्कॉर्पियो एन भी ट्राई करेंगे। ओके बट फिलहाल गाइज मेरा मन यार XUV700, मैं नहीं पता मेरे दिमाग में आया भाई इसको ट्राई करते हैं, लेट्स गो भाई। टॉप मॉडल वाली XUV700 है, ट्रेन में बैठ गया ना बंदा, लेट्स गो भाई। भगा रहा है, क्या भगा रहा है भाई साहब, यार बहुत भागती है भाई, कुछ भी बोलो यार, ट्रेन का पिकअप बहुत ज़्यादा है। ओके XUV पकड़ रही है, ओके हम लोग 200 टच कर चुके हैं, ऑलराइट पकड़ सकते हैं भाई, ट्रेन बहुत क्लोज है अपने। ओके 240 टच हो चुका है, ऑलराइट पार कर देंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, ट्रेन पहुंच चुकी है यार लिटरली भाई। इस बार तो हम लोगों ने 260 का भी स्पीड पकड़ा था ब्रो, यार 260 के स्पीड में भी हम लोग पकड़ नहीं पाए, सोचो गाइस यार कितना ज़्यादा हम लोगों को पिकअप लगेगा भाई। ओके यार रुकी भी नहीं भाई गाड़ी यार, खैर कोई बात नहीं यार, XUV में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लाइक सबसे ज़्यादा फास्ट तो अभी तक यही गाड़ी पकड़ी है, 260 या 70 का स्पीड पकड़ी है। बट स्टिल गाइज इससे समझ में आता है यार 270 स्पीड भी कम पड़ने वाले हैं ट्रेन को पीछे छोड़ने में भाई। अब बारी आ जाती है गाइज यार टाटा हैरियर की, एंड गाइज टाटा हैरियर का परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बेताब हूँ, क्योंकि गाइज ये एक मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं गेमर फ्लीट के पास है, अभी मेरी रिसेंटली उनसे बात होना चालू हुई है, आई गेस कोलैब वगैरह तो होने के कोई चांसेस नहीं है, बट खैर जो भी है गाइज मैं ये सब क्यों रिवील कर रहा हूँ, बट गाइज क्या लगता है हमारी हैरियर यहाँ पे ट्रेन से ज़्यादा तेज हो पाएगी कि नहीं। गाइज लेट्स गो टॉप स्पीड भाई, लेट्स गो, नहीं पकड़ पाऊंगा मैं, हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन गाइज ये 200 टच कर दिया। ओके एंड गाइज 193 के ऊपर क्यों नहीं भाग रही है भाई ये गाड़ी, गाड़ी का स्पीड है टॉप 3। ओके मैंने तोड़ दिया, टॉप स्पीड टूट गया गाड़ी का, लेट्स गो, गाड़ी ओवर थ्रॉटल में, गाड़ी का ब्रेक फेल है भाई साहब, पूरा पावर लग गया इंजन का। ओके लेट्स गो, गाड़ी 300 टच कर दिया, बट स्टिल भाई फिर भी हम लोग यहाँ पे हरा नहीं पाए, एंड ये अभी भी आगे जाए जा रही है एंड रुक गई भाई, मैं नहीं रुका, मैं तो सीधा पानी में गिर गया, बट खैर जो भी बोलो गाइस यार हैरियर का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त था। कमेंट सेक्शन में हैरियर ओपी इन द चैट लिख देना, लगभग हम लोगों ने हरा दिया था यार, मेरे को लगता है फॉर्च्यूनर लेजेंडर वगैरह ये आराम से इसको हरा सकती है भाई, मतलब
ट्रेन को, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब मैं यहाँ पे नई गाड़ी को ट्राई करने वाला हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ कि बुलेरो को ट्राई करते हैं। ओके चलो भाई, बुलेरो बहुत देर से खड़ी है एंड गाइस वैसे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, बट फिलहाल बुलेरो में देखते हैं कितना है दम भाई। वैसे यार बहुत सारी गाड़ियाँ फेल होते जा रही है बुलेरो लेवल की, बट क्या हल्की फुल्की बुलेरो यार, दोनों संतरे रंग के हैं, दीवार भी संतरा रंग का, एंड क्या ये संतरे रंग की गाड़ी हरा पाएगी इस खतरनाक से बड़े से ट्रेन को। लेट्स गो, 3, 2, 1। भाई साहब ये बहुत जल्दी निकल जाता है यार, मैं ही पीछे रह जाता हूँ गाइस, कोई बात नहीं। लेकिन यार बुलेरो टक्कर दे रही है। ओके सब गाड़ी थोड़ी ओवर थ्रॉटल मैंने कर दिया ताकि यार थोड़ा स्पीड दे। ओके लेट्स गो, ये 200 टच कर रही है लेकिन 200 पार नहीं हो पा रहा है। हुआ 200 पार हो गया, 200 पार हो गया भाई। बुलेरो 240 पे भाग रही है। ओ माय गॉड भाई, जी वैगन हो गई है क्या? ओके लेट्स गो, 260 भाई, फिर भी हम लोग नहीं हरा पाए। लेट्स गो भाई, ट्रेन पार कर चुकी है एंड गाइस दोबारा से। ओके बच गया, ब्रेक। ओके लेट्स गो, लेकिन कुछ भी बोलो गाइस यार, यहाँ पे हमारी बुलेरो फेल हो चुकी है भाई। यार कोई गाड़ी कर ही नहीं पा रही भाई, यार इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो मैंने बनाया नहीं था भाई आज का चैलेंज, यार कैसे नहीं कर पा रही गाइस। कमेंट सेक्शन में यार आप लोग लिखो लैंड क्रूशर को ट्राई करो, ठीक है। चलो यार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लैंड क्रूशर को ट्राई करता हूँ, देखते हैं गाइस क्या लैंड क्रूशर ये चैलेंज कर पाएगी। वैसे ट्रेन जा रही है अपने पोजीशन पे, तब तक आप भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं किया सेल्टॉस को। एंड गाइस मैंने यहाँ पे सारी गाड़ियों को हल्का हल्का मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि गाइस मैंने देखा बेस मॉडल में कोई भी गाड़ी ये चैलेंज को कर ही नहीं पा रही है भाई, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो लग ही रहा है। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे सेल्टॉस के साथ है एंड ये गाड़ी हल्का फुल्का मॉडिफाइड है भाई। पिकअप गाइस कुछ भी बोलो यार, ट्रेन का कुछ ज़्यादा ही है। हमारी इंडियन कार यार पिकअप को तो टक्कर दे ही नहीं पा रही है भाई। यार भले हम लोग आगे जाके टक्कर दे सकते हैं, लेकिन पिकअप के मामले में भाई ट्रेन कुछ ज़्यादा ही है भाई। कुछ मिली सेकंड में यार ये इतना ज़्यादा स्पीड पकड़ ली रही है। ओके टक्कर दे दिया, मैं सेल्टॉस टक्कर दे दी रही है। हम लोग पहुँच जाएंगे बस ये वाली ट्रेन से। ओके ट्रेन तो टेलीपोर्ट हो रही है, लेट्स गो भाई, जस्ट कुछ सेकंड हम लोग पीछे हैं। ओके लेट्स गो भाई, ट्रेन रुक गई यार। यार ये वाला मेरे को समझ नहीं आया भाई, मैं जीता कि हारा गाइस, हुआ क्या यार? मैं ट्रेन को देखने लग गया, मैं खुद को देख ही नहीं पाया गाइस। कमेंट सेक्शन में बताना तो यार, मैं जीता कि हारा यार, कमेंट सेक्शन में बताना सेल्टॉस जीत गई कि हार गई, सेल्टॉस हार गई जीत गई लिख देना, मैं समझ जाऊंगा हारी की जीती। बट खैर गाइस यार बड़ा इंटरेस्टिंग था, आई गेस यार सेल्टॉस हारी है या फिर जीती है, खैर जो भी है आप बता देना कमेंट सेक्शन। अब बारी आ जाती है गाइस यार स्कॉर्पियो S11 क्लासिक की एंड देखते हैं गाइस क्लासिक में कितनी पावर है, क्या हम लोग ट्रेन को हरा पाएंगे। ओके लेट्स गो बेटा फ्रैंकलिन, जल्दी बैठो गाड़ी में एंड देखते हैं गाइस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ट्रेन जो है ना भाई हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक को नहीं हरा पाएगी मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है यार, हरा भी सकती है, देखा जाएगा। अब भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फॉर्चुनर हार मान चुकी है तो भाई अपन क्या चीज़ है। ओके वैसे गाइस नई वाली फॉर्चुनर को भी ट्राई करेंगे, 1, 2, 3 भाई पिकअप देख रहे हो यार, रॉकेट के स्पीड में तो पिकअप लेता है साला वो ट्रेन, बट खैर पकड़ेंगे भाई। स्कॉर्पियो को तगड़ा मैंने मॉडिफाई किया, देखो 200 पार कर रही है भाई, क्या मॉडिफाई है गाड़ी। ओके लेट्स गो 260 पार भाई साहब, स्कॉर्पियो S11 क्लासिक ओपी इन द चैट, लेट्स गो भाई, पहुंचेंगे ऊपर, आइए उससे पहले पहुंच जाएंगे। लेट्स गो, गाड़ी 300 टच कर रही है माफ कसम भाई, एंड यहाँ पे हम लोगों ने पहले फिनिश पॉइंट टच किया है, ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का क्या। ओके लेट्स गो भाई, वो गया नहीं, मैं मेरे को रुकना पड़ेगा। ओके लेट्स गो, रुक गई भाई, क्या टाइमिंग पे रुके हैं भाई, परफेक्ट यार, ना आगे ना पीछे परफेक्ट रुके भाई। खैर खेलो जो भी है, मजा बहुत आया गाइस यार, यहाँ पे पहली हम लोगों को प्रॉपर विनर मिल चुकी है जिसने काफी अच्छा परफॉर्म कर दिखाया, वो है हमारी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक गाइस। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को मैं ट्राई करने वाला हूँ, जितनी भी हमारी थार है और जो भी है लेजेंडर वगैरह जिसको मैंने ट्राई नहीं किया है, लैंड क्रूजर वगैरह उसको ट्राई करेंगे, एंड ओवर जो बड़ी बड़ी भारी भारी गाड़ी है। ओके ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पे बारी आ जाती है अगली गाड़ी को ट्राई करने की एंड इस बार मैं सोच रहा हूँ भैया इनोवा को ले चलते हैं। चलो भाई ये टॉप मॉडल वाली इनोवा क्रिस्टा, एंड गाइस मैं आप लोग को बता दूं ये अभी लेटेस्ट वाली है तो गाइस स्पीड हम लोगों को काफी तगड़ा मिलेगा। बैठना भाई जल्दी, अबे बैठना, ट्रेन चालू हो जाएगी, फ्रैंकलिन तरस नहीं खाता है। अबे स्कॉर्पियो पे बैठ रहा है, बताओ यार क्या है यार माइकल, तरह जल्दी बैठ। ओके लेट्स गो, वो ट्रेन में बैठ चुका है, आइए भाई ट्रेन निकल चुकी है यार, इनोवा भगा भाई, 4x4 वाली इनोवा है गाइस, पकड़ सकती है। ओके 200 टच कर दिए गाड़ी। ओके लेट्स गो इनोवा जीत सकती है भाई, लेट्स गो। नहीं यार हार गए भाई, क्या है यार, नहीं पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे भाई, वो 300 भाई हम लोगों की गाड़ी 300 पकड़ रही है, वो कितना स्पीड में होगी भाई ट्रेन,
लेट्स गो भाई यार, ट्रेन तो पहुंच गई भाई एंड हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। शिट, ट्रेन से आगे निकले हम लोग, एट द एंड हम लोग ट्रेन से आगे निकले। मैं इनोवा को विनर बनाता हूँ क्योंकि गाइज हम लोग का स्टार्टिंग थोड़ा खराब हुआ था, तो गाइज इनोवा क्रिस्टा को विनर बनाया जाहिज है एंड ये वाली राउंड को इनोवा क्रिस्टा ने क्लियर कर दिया है। ट्रेन उधर डूब गई है भाई, कोई बात नहीं, चलते हैं गाइज अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइज यार अगली गाड़ी को ट्राई करने की एंड किसको ट्राई करें भाई, एंडेवर को ट्राई करते हैं। लेट्स गो यार, एंडेवर पे क्या फटाक से बैठा हूँ मैं। ओके देखते हैं गाइस एंडेवर में कितना दम है, क्या हम लोग एंडेवर से यहाँ पे रेस जीत पाएंगे। ओके लेट्स गो, चल बेटा फ्रैंकलिन सेल्फी ले ले भाई मतलब अपनी ट्रेन में बैठ जा। एंड गाइस इसका इंजन पीछे तरफ से है, मतलब सीट जो है वो पीछे तरफ से है। वैसे गाइस हमारी एंडेवर रेडी है, लेट्स गो भाई। कुछ भी बोलो यार, पिकअप के मामले में भाई ट्रेन को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके वो बंदे का बैलेंस बिगड़ा, ट्रेन का बैलेंस बिगड़ा है। मौका अच्छा है, पार करते हैं। वैसे गाइस यार एंडेवर का टॉप स्पीड इनोवा से कम लग रहा है मुझे देखने से यार। ओके 270 पकड़ी है गाड़ी ने। ओके लेट्स गो भाई, हम लोग आ गए हैं, आराम से जीतेंगे आराम से भाई। अभी देखो ट्रेन कितनी पीछे है ब्रो एंड हम लोग कितना ज़्यादा आगे। लेट्स गो भाई, वैसे ट्रेन का बीच में बैलेंस भी बिगड़ा था, ये भी बात है। एंड ट्रेन जा रही है, कहाँ जा रही है। ओके गया भाई, वो तो सीधा गंगा में नहा लिया यार। खैर जो भी बोलो गाइस यार, मज़ा बहुत आया। ये वाली राउंड की क्लियर विनर है भाई एंडेवर। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ क्योंकि ट्रेन क्या कहते हैं यार बीच में अटक गई थी, नहीं पता क्या दिक्कत हुआ था, बट गाइस जो भी हुआ यहाँ पे हमारी एंडेवर को विनर बना दिया गया है। चलते हैं गाइस अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइस यार अगली गाड़ी की एंड कोई बड़ी गाड़ी को ट्राई करें क्या, क्या बोलते हो? क्या को ट्राई करूँ यार मैं, वैसे भी ऑलमोस्ट ऑल सबको ट्राई कर दिया हूँ क्या। स्कॉर्पियो एंड बुलेरो कैंपर, आ जाओ भाई बुलेरो कैंपर से, क्या हम लोग हरा पाएंगे, क्या लगता है गाइज? कैंपर यार मतलब अलग ही लेवल की गाड़ी है, लेकिन मेरे को कैंपर अच्छी लगती है यार। पीछे जो महिंद्रा का लोगो है ना भाई, क्या चमकता है भाई। लेट्स गो, आपको गाइज कैंपर पसंद है कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स गो भाई, पिकअप इसका थोड़ा स्लो है यार, वैसे भी ये ट्रक वो वाली गाड़ी है यार कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ी है। ओके लेट्स गो भाई, बार बार थ्रॉटल देना पड़ रहा है, मॉडिफाई की वजह से गाड़ी कम से कम 200 टच करने वाली है। ओके भाई बार बार इसका इंजन छोड़ दे रहा है यार, स्पीड पकड़ रहा है, देखो ना साउंड से पता चल रहा है, घों कर रहा है फिर चुप हो जा रहा है, फिर घों कर रहा है फिर चुप हो जा रहा है यार, अलग ही तरीके का मतलब नशे में है गाड़ी भाई। लेकिन फिर भी 270 टच हुआ है, बट गाइज हम लोग यहाँ पे हार चुके हैं यार, कोई बात नहीं यार। ये कैंपर थोड़ी पीछे हो गई, स्पीड ज़्यादा नहीं दे रहा है, अपने आप स्पीड कम हो जा रहा है भाई। जा जा जा, मेरे को नहीं जाना, वो तो गया पार भाई, मैं बच गया। लेट्स गो गाइज यार, ट्रेन भी रुकी है बट यहाँ पे हम लोगों को निराशाजनक चीज़ें देखनी पड़ी भाई, हमारी कैंपर फेल हो चुकी है। चलते हैं गाइज यार अगली गाड़ी को ट्राई करने। एंड वो देखो प्लेन का आवाज़ जहाँ तक आ रहा है यार। ओके ट्रेन भी आ रही है क्या? नहीं नहीं ट्रेन नहीं आ रही है, ट्रेन वापस जा रही है भाई। ऑलराइट गाइस यार अब बारी आ जाती है किसको ट्राई करें। चलो भाई साहब लेजेंडर, लेट्स गो, आ जा बेटा लेजेंडर, देखते हैं तेरे बाजुओं में कितना दम है। एंड गाइस ये टॉप मॉडल वाली लेजेंडर है भाई, पुरानी वाली नहीं। इसका आवाज, इसका लुक काफी ज्यादा अलग है पुरानी वाली से। एंड गाइस यार हम लोग फॉर्चुनर भी ट्राई नहीं किए यार, टॉप मॉडल वाली उसको भी ट्राई करेंगे, रुक जाओ फिलहाल बेटा फ्रैंकलिन जल्दी बैठो। ओके 1 2 3 चलो भाई, ट्रेन कितनी तेज है, ट्रेन आगे निकल गई है। वो देखो भाई साहब ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा मैं, पकड़ लूंगा लेजेंडर पकड़ लेगी। लेट्स गो ट्रेन के बहुत ही ज्यादा नजदीक है भाई। वो देखो ट्रेन जा रही है, रुको पकड़ेंगे भाई, बहुत मुश्किल है, नहीं पकड़ पाएंगे क्या, कि पकड़ लेंगे क्या? फिनिश पॉइंट जस्ट आ गया भाई, पार। वाह कसम भाई, क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा ब्रो? लिटरली 1 सेकंड से मेरे को ऐसा लग रहा है हम लोग यार जीते हैं, 1 सेकंड से जीते हैं गाइस, कसम से यार, लिटरली भाई 1 सेकंड से जीते हैं भाई। मेरे को लगा था अपन हार जाएंगे, बट गाइस कोई बात नहीं यार, मज़ा आ गया भाई। जो भी बोलो काफ़ी बेहतरीन था ये वाला रेस, मतलब ना थोड़ा टक्कर का था। ट्रेन कहाँ डूब गई भाई, ट्रेन, अच्छा वो देखो ट्रेन का 2-3 डब्बा तो यहीं पड़ा हुआ है, वो तो नीचे पलटा हुआ है, हमारी सारी गाड़ियाँ गिरी पड़ी है गाइस। लेकिन कुछ भी बोलो, आइकॉनिक रेस था ये वाला, मज़ा आ गया भाई। लेजेंडर ओपी इन द चैट, लिख देना कमेंट सेक्शन में। चलते हैं गाइस यार अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइस अगली गाड़ी की एंड हम लोग अभी ट्राई करने वाले हैं, किसको ट्राई करूँ भाई, बुलेरो वगैरह तो हो गई है। चलो गाइज स्कॉर्पियो एंड ओपी इन द चैट गाइज यार, ये गाड़ी बहुत तगड़े से मॉडिफाइड है, मैंने इंटीरियर को भी मॉडिफाई करवाया, देख लो थोड़ा इंटीरियर भी हल्का फुल्का मॉडिफाई है। सीट बेल्ट वगैरह तो मैं लगाता नहीं हूँ खैर, लेकिन अगर आप कार वगैरह चलाते हो गाइज तो आपको सीट बेल्ट डेफिनेटली लगाना चाहिए, तभी आप चलाना गाड़ी, वरना आपके जान को रिस्क हो सकता है। बट फिलहाल
भगाओ भाई, ये जीतेगी। स्कॉर्पियो एंड पिछेड़ देगी भाई। ओके, फुल स्पीड स्कॉर्पियो एंड फुल स्पीड भाई, 230 पकड़ी है स्कॉर्पियो एंड। ओके, ट्रेन को पार करेंगे, पार करेंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो ट्रेन तिरछा कह जाती है, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके, पार, ट्रेन पार, ट्रेन पार। लेकिन गाइस हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए क्या ट्रेन से, लेकिन कोई बात नहीं, लगभग लगभग हम लोग स्पीड तो ज्यादा ही है यार। ओके, गाइस बस एक ही है कि या ना स्कॉर्पियो, मतलब जो हमारी इंडियन कार है ना, उनका पिकअप कम है। पता है यार, ये जो ट्रेन है ना भाई, इसका पिकअप कुछ ज्यादा ही है यार। ये ट्रेन मतलब 300-400 पकड़ ले रही है इतना, मतलब 3-4 सेकंड के अंदर बुगाटी लेवल का पिकअप ले रही है भाई। और हम लोग यार इंडियन गाड़ी है, स्पीड कितना भी बढ़ा ले, लेकिन पिकअप तो हम लोगों का एवरेज ही रहेगा, जो रहता है 100-150 वाला, मतलब 100-150 भी नहीं रहता है भाई, अपना पिकअप 100 मुश्किल से पहुंचता है यार कोई गाड़ी का। यार खैर जो भी है, मजा बहुत आया। स्कॉर्पियो एंड भी काइंड ऑफ विनर है यार, मैं मॉडरेट बोलूंगा, दोनों विनर भी है कह सकते हो, लूजर भी है, विनर ही है भाई, क्योंकि ऑल एट द एंड यार पार तो किया है गाड़ी ने। ओके, तो गाइस स्कॉर्पियो एंड ओपी इन द चैट आप लिख देना। चलते हैं गाइस अगली गाड़ी को ट्राई करने। ऑलराइट गाइस, अब यहां पे बारी आ जाती है अगली गाड़ी को ट्राई करने की, एंड किसको ट्राई किया जाए यार। ओके लेट्स गो भाई, मेरे को कुछ महंगी गाड़ी ट्राई करनी है, लैंड क्रूजर बेटा आ जाओ यार, देखते हैं तुम हरे भरे फूल गोभी के पत्ते कैसा परफॉर्म करते हो। चलो भाई लेट्स गो भाई। वैसे ये गाड़ी गाइस व्हीली करती है भाई, रिवर्स में देखो। ऐसा कोई गाड़ी कर सकता है क्या बताओ यार, वो कर सकती है, एंडओवर कर सकती है, एक मॉडिफाइड वाली मेरे पास जो है। ओके, बट फिलहाल हम लोगों को रेस जीतना है भाई साहब। इसका पिकअप है, इसका पिकअप है। ओके, लेकिन साउंड से लग नहीं रहा भाई इसका पिकअप उतना तेज होगा। फिलहाल वहां पे एक ट्रेन खड़ी हुई है अभी तक भाई, ये ट्रेन को तो ओए बच गया मैं, कसम भाई बच गया। ओके, लेकिन नहीं हरा पाएंगे, नहीं दे रही उतनी, भाग नहीं रही। ट्रेन और इसका स्पीड लगभग लगभग सेम लग रहा है मुझे यार। ओके, ट्रेन पहले पार की है भाई, लेकिन अब हम लोग पार कर दिए ट्रेन को। लेट्स गो लेट्स गो, ब्रेक 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 ब्रेक, लग जा रख गई भाई, क्या जगह रुके हम लोग, देख रहे हो गाइस लगभग लगभग खत्म ही थे। लेकिन गाइस काइंड ऑफ हम लोग विनर है एंड काइंड ऑफ लूजर है भाई, ये क्या टेलीपोर्टेशन हो गया यार। खैर जो भी है भाई, मजा बहुत आया ये वाली रेस में, गाड़ी का परफॉर्मेंस एक नंबर था भाई, लैंड क्रूजर विनर है। बट यार एक दिक्कत हो रही है, पिकअप के मामले में गाइस कोई नहीं हरा पा रहा यार। मेरे को लगता है ना हम लोगों को कुछ बड़ी गाड़ी को एक बार ट्राई करना चाहिए, जैसे कि जी वैगन वगैरह, तब मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है। ओके लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अब यहां पे बारी आ जाती है महिंद्रा थार की, जिसको हम लोग बहुत देर से ट्राई भी नहीं किए हैं यार, खड़ी हुई है बेचारी यार इंतजार पे, एंड आप लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हो यार थार का, बट कोई बात नहीं गाइस, फटाफट थार से रेस जीतते हैं भाई। मेरे को पता है थार जीत सकती है, थार में बहुत ज्यादा पावर है एंड मॉडिफाई की वजह से और तगड़ी इंजन कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है गाइस। क्या लगता है थार जीत पाएगी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर जीत गई ना, आप सभी लोग थार ओपी इन द चैट लिखोगे। यार सेम टाइमिंग पे मैंने गाड़ी चालू की है, सेम टू सेम टाइम पे, होप सो आगे निकल जाए। थार लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, हरा सकते हैं हरा सकते हैं, हरा देंगे हरा देंगे हरा देंगे हरा देंगे, जस्ट मेरे आगे ट्रेन है। नहीं भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरी जान, बट पार करेंगे। हो गया पार, हो गया पार, वो भी भाई 300 के स्पीड में ब्रो। ओके भाई खत्म है खत्म, बच गया बच गया बच गया। खैर कोई बात नहीं, क्या छुक छुक गाड़ी, इसको ही पार कर देंगे। लेकिन ब्रेक ओ अरे भाई, ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ गई भाई, कोई बात नहीं गाइस यार। लेकिन जो भी बोलो, थार ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस कर दिखाया, कमेंट सेक्शन में गाइस थार ओपी इन द चैट जरूर से लिखना। ये वाली ट्रेन भी डूब गई भाई, मेरी वाली ट्रेन कहाँ रह गई वो तो नहीं पता, लेकिन गाइस मजा बहुत आया ये वाले राउंड पे। एंड गाइस चलते हैं, दो तीन गाड़ियां बची है यार, फॉर्च्यूनर बची है और बुलेरो नियो भी बची आई गैस यार। ऑलराइट गाइस, अब यहां पे बारी आ जाती है फॉर्च्यूनर की गाइस यार, एंड ये आज की आखिरी गाड़ी है, देखते हैं क्या हम लोग फॉर्च्यूनर से आज की आखिरी रेस को जीत पाएंगे। वैसे यहाँ पे जो वो बैनर लगा था गायब हो गया, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं गाइस फॉर्च्यूनर में कितनी पावर है। 1 2 3 लेट्स गो भाई साहब, यार पिकअप है, फॉर्च्यूनर का पिकअप है, 100 पार कर दिए, 150 पकड़ लेंगे फॉर्च्यूनर, भगा भाई। ओके 200 पकड़ी है गाड़ी, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, थोड़ा सा और हरा सकते हैं, नहीं निकल जाएंगे, पार कर देंगे ट्रेन को। रुक जाओ भाई, ऐसे में देखने से लग रहा है बहुत आराम से पार कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बगल में आने से लग रहा है भाई टाइम लगेगा। ओके हो गया लेट्स गो, पार कर दिए हैं भाई, छप्पर तोड़ने का मेरा मन नहीं है, ब्रेक लग जा। ट्रेन आ रही है भाई साहब, बच गया मैं, ट्रेन तो फेंका गई भाई, मैं बच गया, कोई बात नहीं गाइस, मजा आया भाई ये वाली रेस में। एंड गाइस ये थी आज की आखिरी रेस, एंड इसके बाद अभी एक सुपर कार को ट्राई करते हैं, जो कि है भाई जी वैगन, देखते हैं गाइस जी वैगन वगैरह कैसा परफॉर्म करती है। लाइक यार
देखते हैं, चलो आ जाओ। लेकिन गाइस उससे पहले यार हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं भाई बुलेरो नियो को, क्योंकि यार कल आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था बुलेरो नियो को, आप क्यों नहीं चला रहे हो, क्यों नहीं चला रहे हो। तो गाइस फाइनली आज आ चुकी है, एंड यार मेरे को अभी याद आ रहा है कि बुलेरो नियो को मैं नहीं चलाया हूँ, माफ कर देना मुझे। खैर बेटा फ्रैंकलिन बैठो अपनी गाड़ी में। भाई 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 ये गाड़ी में पावर है यार काफी तगड़ा। ओके आई ये पीछे का चक्का उठा के मैं रिवर्स कर ले रहा हूँ। खैर वो गाड़ी में बैठ रहा है। 1 2 3 लेट्स गो। भाई यार भाई बहुत तगड़ा पिकअप दिख रहा है बुलेरो नियो का, कुछ ज्यादा पिकअप नहीं लग रहा है गाइस। देख रहे हो 200 टच कर रही है भाई। इसमें कौन सा इंजन लग गया है, लैम्बोर्गिनी का इंजन लगा है क्या? ओके लैम्बोर्गिनी का स्पीड रहता है भाई ऐसा। ओके पकड़ लेंगे भाई, लेकिन अब गाड़ी थ्रॉटल दे रही है। स्पीड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन पार कर देंगे, रुक जाओ। ओके लेट्स गो, थोड़ा सा और पार कर दिया, वो अटक गया, मैं पार कर दिया भाई। लगभग लगभग यार वो विनर था, एंड मैं भी काइंड ऑफ मतलब यार अब मेरे को नहीं पता आपको क्या लगता है, बुलेरो नियो जीतते की हारती? भाई मेरे को लगता है हार जाती, सच बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन अगर डी टकराती भाई मुश्किल था हम लोगों का पार करना। बट खैर ट्रेन टकरा चुकी है, एंड गाइज यार जो भी बोलो यहाँ पे बुलेरो नियो जीत चुकी है गाइज। अब बारी आ जाती है आज की आखिरी गाड़ी जी वैगन को ट्राई करते हैं, आ जाओ भाई। ऑलराइट गाइज आज की आखिरी रेस में आप सभी का स्वागत है, ये है हमारी जी वैगन। एंड भाई साहब क्या लगता है यार जी वैगन हरा पाएगी? वैसे ये मॉडिफाई नहीं है, ये बेसिक स्टॉक मॉडल मैंने ला रखा है गाइज यार, एंड सेम चैलेंज मैं बुलेट ट्रेन के साथ करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पे 10,000 लाइक करवा देते हो, एंड गाइज उसके पीछे मालगाड़ी लगाएंगे पक्का, क्योंकि बुलेट ट्रेन में पावर बहुत होती है, तो माल वगैरह मतलब पीछे लगाने से कोई दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली, ठीक है? तो फिलहाल गाइस देखते हैं क्या होता है। भाई यार लेट्स गो भाई, नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे जी वैगन। ओके लेट्स गो, उसका बैलेंस बिगड़ गया, क्या बात है भाई, बैलेंस कैसे बिगड़ गया ट्रेन का? लेट्स गो, आने दो बच्चे को मौका दे देते हैं भाई, वरना यार थोड़ा चीटिंग हो जाता है। चलो भगा रहा है भाई साहब, ट्रेन के आगे हूँ जस्ट में, लेकिन वो बंदा ठीक से चला नहीं रहा है यार, नहीं पता क्या ग्लिच हो गया उसका। लेकिन गाइज हम लोग 300 पार कर रहे हैं, काफी बेहतरीन, एंड गाइज हम लोग ये रेस जीत चुके हैं। ब्रेक लग जा बस टाइमिंग पे भाई, मजा आ जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं गाइज यार रेस खत्म हो चुकी है। एंड गाइज आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। एंड गाइज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा गाड़ी वाड़ी चला लिया जाए यार इधर तरफ आ करके, तो गाइज सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो। एंड एक और छोटी सी बात यार, बुलेट ट्रेन के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, 10,000 लाइक में मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। एंड बुलेट ट्रेन वाली वीडियो जो होगी वो ट्रेन ट्रैक में होगी, ना कि यहाँ होगी, ठीक है? जो रियल ट्रेन ट्रैक है वहाँ करेंगे। एंड गाइज अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रीन में आपको 2-3 वीडियो मिल जाएंगी, आप इनमें से कोई भी वीडियो देख के मजे कर सकते हो। तब तक ले मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक ले बाय बाय टाटा, लव यू ऑल गाइज। एंड हाँ सब्सक्राइब करके डट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन कर लेना, एंड अपनी फेवरेट गाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना।